हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ होममेड टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर करूंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम टूटी फ्रूटी घर पर बनाएंगे। और ये टूटी फ्रूटी इतना मस्त बनेगा, इतना अच्छा बनेगा ना कि आप सच में हैरान हो जाएंगे। मतलब मार्केट से भी ज़्यादा यम्मी, ज़्यादा टेस्टी टूटी फ्रूटी आप घर पर बना सकते हैं। और जब आप ये सुनेंगे कि हम इसको बनाने के लिए किस इन्ग्रीडियंट का यूज़ करने वाले हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज इस इंग्रेडिएंट से हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे वो एक वेस्ट है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करने वाले हम। ये नहीं कि हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं टूटी फ्रूटी को बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से, प्योर तरीके से हम आज टूटी फ्रूटी को तरबूज के छिलके, यानी कि वाटरमेलन के छिलके से हम बनाएंगे। और दो तरीके से टूटी फ्रूटी वैसे बनते हैं। एक जो होता है, वो पहला तरीका जो होता है वो होता है कच्चे पपीते से, और दूसरा तरीका होता है वाटरमेलन के छिलके से। तो दूसरा तरीका बताया है मैंने यहाँ पे, तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तरबूज के छिलके। एक तरबूज था, उसके छिलके को मैंने यहाँ पे लिया है, और आप देख सकते हैं इसको मैंने छील लिया है। इसका जो पीछे का हार्ड वाला पोर्शन होता है ना, ग्रीन वाला, उसको आपने छील लेना है। साथ ही आपने जो इसके रेड वाला हिस्सा होता है, मतलब जो तरबूज के छिलके पे रेड वाला हिस्सा होता है, उसको भी आपने हटा देना है, वो बिल्कुल नहीं लेना। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेना है। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करना है आपने इसे चॉप, जिस तरह से टूटी फ्रूटी मार्केट में मिलती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में आप इस टूटी फ्रूटी को बना सकते हैं, बहुत आसानी से वो भी। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है सारे वाटरमेलन के जो छिलके थे उनको, आप देख सकते हैं। इस तरह से छोटे टुकड़े में आपने इसे चॉप करना होगा। तो अब पहला स्टेप आता है इसको बॉईल करने का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें 2 से 3 ग्लास पानी डाल दें, और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो उसके अंदर आप टूटी फ्रूटी, या फिर आप कह लें जो वाटरमेलन के छिलके थे, उसको आपने डाल देना है, तरबूज के छिलके को जो छोटे टुकड़ों में काटे थे। और इसको आपने बॉयल करना है मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, या जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा सा इनका टेक्स्चर जो है वो जेली जैसा हो जाए। तो यहाँ पे देखें आप, ये बॉयल होते हुए इसको 8 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो चुका है और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, जेली जैसा टेक्सचर आ चुका है। तो अब आपने इन्हें निकाल लेना है। तो इन्हें, ये सारे मैंने बॉयल कर लिए और ये निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप, शुगर सिरप के साथ हमने इसे बॉयल करना होगा, यानी कि चाशनी के साथ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 ग्लास पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, 1.5 ग्लास काफ़ी होगा। इसी के साथ हमें यहाँ पे डालना होगा 1 कटोरी चीनी। तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा, मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें, और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, तो आप इसमें दोबारा से जो छिलके थे वाटरमेलन के पहले से बॉईल कर रहे हो, इसको डाल देना है। तो अब आप देखें बॉईल आ चुका है, तो वो आप इसमें ऐड कर दें। और अब आपने इसे बॉईल करना होगा 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे से बॉईल होते हुए, आप देख सकते हैं वाटरमेलन के जो छिलके हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया, और बिल्कुल टूटी फ्रूटी जैसा टेक्सचर इनका आ चुका है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट से ज़्यादा बॉयल बिल्कुल नहीं करना आपने इन्हें, आप इसे निकाल लें। अब इसके बाद जितने कलर की टूटी फ्रूटी आपने बनानी है, उतने कलर में या फिर उतने बोल्स में आप इसको डिवाइड कर दें। तो अलग अलग कटोरियों में आप इन्हें डाल दें, और इसे जितने कलर में आपने बनाना है उस तरह से डिवाइड कर लें अपने हिसाब से।
अब पहले वाले में मैंने ऐड किया है रेड फूड कलर, पाउडर्ड फूड कलर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, जो रेड वाला खाने वाला रंग होता है उसको डाला है। कलर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें अंदाजे से, क्योंकि ये थोड़ा सा अब्जॉर्ब भी करेंगे। ध्यान रखें आपने जो इसका सिरप था वो नहीं अभी निकालना, उसके साथ ही आपने इन्हें डिवाइड करना है कटोरियों में। फिर दूसरे वाले मैंने डाला है येलो फूड कलर, अच्छे से मिक्स करना है आपने इन्हें। अब तीसरे वाले के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर था नहीं, तो मैंने एक जुगाड़ कर लिया, रेड फूड कलर और येलो फूड कलर दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप इसको मर्ज करके मिलाकर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और फोर्थ वाले को मैंने प्लेन रखा है, जिससे आपको पता चल सके कि जो प्लेन होगा उसका भी टेक्सचर कितना अच्छा आएगा। अगर आपके पास कलर्स नहीं है तो आप इन्हें प्लेन भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इनके टेस्ट कोई अलग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो अब आपने इसे क्या करना है, इसे इसी तरह से छोड़ देना है कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें शुगर सिरप को। तब तो आप देखें अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया इनने शुगर सिरप को। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है, और इसको आपने इस तरह से फैला के इन्हें डाल देना है ट्रे के ऊपर। ट्रे की जगह आप कोई बड़ी सी थाली भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ट्रे ही लें। तो अच्छे से डाल दे, मैंने सारे कलर्स के डाल दिए टूटी फ्रूटी। और फोर्थ वाला जो जगह है वो नहीं थी ट्रे में, तो मैंने उसको प्लेट में डाल दिया है। अब आपने इसे सुखाना है 1 दिन के लिए कड़ी धूप में, और ये जो शुगर सिरप बच चुके हैं इन्हें आपने फेंकना नहीं है। आप इसको यूज़ नींबू पानी बनाने के लिए, या फिर आप इसके पैनकेक भी बना सकते हैं, तो आप इसे फेंके ना। तो यहाँ पे सूखने के बाद टूटी फ्रूटी जो है बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी टूटी फ्रूटी घर पर बन चुकी है। बहुत ही अच्छी टूटी फ्रूटी बनी है, और बहुत ही टेस्ट में इतनी अमेजिंग है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप चाहें तो धूप में सुखाने के बजाय आप इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, उससे भी सूख जाएंगे, बस आप टिश्यू पेपर लगा दें और इसके ऊपर आप इसको सुखाएं। तो यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी टूटी फ्रूटी बनकर रेडी है घर पर, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। आप इन्हें स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं फ्रिज में, और कम से कम 1 से 2 महीने के लिए या पूरे साल के लिए इवन ख़राब नहीं होगी है। और ये इतना यूज़फुल इंग्रेडिएंट है ना कि आप इसको कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट बात तो ये कि आपने एक वेज से इतनी अच्छी रेसिपी बना ली, अब इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि कई चीज़ों में काम आता है, केक में, बिस्किट में, आइसक्रीम्स में, किसी भी डेजर्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट है रेसिपी इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।